पुलिस ने कस्बा छाता में कबाड़ी की दुकान पर छापा मारकर चोरी हुए पाइप को बरामद कर लिया। ये पाइप क्रीम बेल कंपनी के कर्मचारियों ने बेचे थे। छाता कोतवाली पुलिस ने कस्बे में रहने वाले एक कबाड़ी की दुकान पर छापा मारा। ये दुकान इरफान नामक कबाड़िया की थी। उसके पास से क्रीम बेल कंपनी से चोरी हुए पाइपों को रंगे हाथ बरामद किया गया। इस मामले में कबाड़ी का कहना था कि कुछ समय पहले ही 3-4 व्यक्ति उसके पास आए और उसको ये पाइप बेचकर चले गए, जबकि उनमें से एक व्यक्ति कंपनी का ही था। अगर वो उसके सामने आ जाएगा तो वो उसको पहचान लेगा। इरफान, कहाँ के रहने वाले हो आप? छाता। क्या काम करते हो? कबाड़ी का। आज आपकी दुकान पे कोई चोरी का माल बरामद हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहूँ सर, बताइए। किससे लिया था आपने? अब लड़के पहचानेंगे तभी तो हुआ काम आगे। कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम तो हम 15 साल से कर रहे हैं। चोरी का माल भी खरीदते हो? अरे नहीं, वो चक्कर बन ही गया, पहली बार जिंदगी में पहली बार चक्कर बना। पहली बार? जी सर। तो कब खरीदा था ये माल तुमने? ये करीब एक महीने पहले। कितना माल था ये सब? क्या रेट में खरीदा था ये? करीब 3500 रुपये के लगभग खरीदा था। 3500 रुपये का सब। तुम लोगों को नहीं जानते जिनसे खरीदे? सकल से जानता हूँ। तो आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये माल कहाँ से लेके आए इसको? अब ये ऐसे कैसे पता लगेगा सर? कितना था? कैसे कितना माल था ये खरीदा सर? ये 3500 रुपये का खरीदा था ना मैंने। अब कंपनी द्वारा उक्त लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। क्या नाम है? कमल सिंह। अच्छा बताएं, यहाँ कबाड़ी की दुकान पे आप आए हो, क्या मामला है? ये देवयानी फूड के कुछ पाइप चोरी करके किन्हीं लोगों ने भेज दिए थे, वो आइडेंटिफाई हो गए हमारी कंपनी के पाइप से। बस उसी की सुपुर्दगी के लिए पुलिस के साथ हम लोग आए हैं, पाइप्स को लेकर जा रहे हैं और थाने में जमा करा रहे हैं। तो बताएं कि आपकी कंपनी से ये माल बाहर कैसे आ गया? बाउंड्री वॉल से चुपके से चोरी करके कुछ लोगों ने, और वो लोकल लोग हैं, पुलिस के पास कार्रवाई है, चल रही है, जाँच चल रही है, फिलहाल माल की सुपुर्दगी हो चुकी है। तो आपको कैसे पता चला यहाँ कबाड़ी पर? वो बेसिकली किसी लोगों ने बताया था, कंपनी के लोगों ने, वहाँ माल बिका हुआ है और पाइप्स हैं, तो हो सकता है आपकी कंपनी के। तो किस तारीख को चोरी हुई है? ये जनवरी 1st वीक में है, एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं दे सकता। तो माल की कितनी कीमत मानी जाए जो बरामद हुआ है? अब इनकी तो मैं एग्जैक्ट नहीं दे सकता, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वेट के हिसाब से 250 किलो के करीब है। 250 किलो।